फ्राई हो गए हैं और इनको निकाल रहे हैं। चिकन का शामी कबाब ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये चिकन का ये रेशा है जो इसको भी ऐसे ही बिना चटनी के सादा खाते हैं। जबरदस्त कबाब खाने हो अगर आपको तो आप बंडी भाई के कबाब खाएं, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बिल्कुल यूनिक वैरायटी फिश और चिकन के शामी कबाब। जी हाँ, बंटी कबाब सेंटर पर हैं, हांडीपुरा जयपुर में हैं। और ये सामने मेरे बंटी भाई हैं, ये फिश और चिकन के शामी कबाब बनाते हैं और ये इतने लजीज होते हैं कि आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। ये खूबसूरत से और गोल मटोल से दिखने वाले शामी कबाब आपको बनते हुए भी दिखाएंगे और खाकर उसका जायका भी बताएंगे। तो आइए मेरे साथ बंटी कबाब सेंटर पे। ये मछली का है और ये किसके रखेंगे वाले? ये भी मछली के ही है। ये आप प्रिपरेशन सब घर से करके लाते हैं? हम यहाँ इनके कबाब तैयार करके चले जाएंगे। ये अंडे में डिप होगा उसके बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये बंटी भाई का एक यूनिक वैरायटी है, ये मछली के कबाब, फिश शामी कबाब कह सकते हैं इसको। हाँ, शामी कबाब ही कहा जाता है। ये फिश शामी कबाब है, इसके अलावा ये चिकन के भी शामी कबाब बनाते हैं। तीन चिकन के में लगता है तो वो 45 का होता है। अच्छा, वो भी दो दिन लगता है। अच्छा, फिर चिकन पनीर लगता है। हाँ, वो 50 का होता है, वो भी दो दिन लगता है। अच्छा, फिर मछली का लगता है दो दिन। अच्छा, वो 60 रुपये का होता है। तो ये दो दो दिन की डिटेल है, फिर ये पूरी डिटेल देनी पड़ेगी किस किस दिन कौन सा लगता है। तो वो ऐसे कोई नहीं, कोई से भी दिन कोई सा भी। अच्छा, ये रैंडमली होता है मतलब? हाँ, मौका होता है वैसे वक्त के हिसाब से। वो मतलब कस्टमर को यहाँ आकर अपना चांस ही लेना पड़ेगा किसको क्या खाना। अच्छा, फिश के लिए तो कोई फिश के लिए दो दिन के हैं, सोमवार और मंगलवार। अच्छा, फ्रेंड्स जैसा कि बंटी भाई बता रहे हैं कि फिश कबाब आपको यहाँ सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को मिलेंगे और बाकी और वैरायटी इनकी आपको रेंडमली कभी भी मिल जाएंगी, आप लोग आए और ट्राई करें। बंटी भाई एक बार और बताएं कि ये कब से ये सफर शुरू हुआ है आपका कबाबों का? ये मेरा 9वां साल शुरू हो गया था यहीं पर ही। जी, और ये विदेश तक जाते हैं। वेरी गुड। ये बताएंगे ये सिर्फ एक कबाबों पर ही फोकस कैसे है आपका सिर्फ, इसके अलावा और कोई वैरायटी आपने नहीं डेवलप की है, नहीं बनाते हैं? भाई ये एक सोचा था कि मतलब जयपुर में कुछ एक अनोखा तरीके का रेस्टोरेंट होना चाहिए जिसमें सब तरीके के कबाब हों। जी, हर लेवल का कबाब हो, क्वालिटी हो उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, रिजनेबल दाम हो और क्वालिटी भी मिले। अच्छा, इसलिए आपने अपने इसको कबाब तक ही महदूद रखा है इनको? ये अभी तो फिलहाल आगे बढ़ाने की है। अच्छा, और कबाब की इतनी वैरायटी है आपने रखी है, तो जयपुर में शायद किसी और रेस्टोरेंट में हो। ये बंटी भाई हमारे बहुत बिजी आदमी है और ये वन मैन आर्मी है, ये पूरा काम अपना खुद ही करते हैं और इतना बिजी वक्त है कि बहुत मुश्किलों से और करीब 1-2 महीने में रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। ये आपकी जो एक यूनिक वैरायटी है फिश कबाब, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे बनाते हैं आप? बिल्कुल जैसे अपने मछली का, बिल्कुल अपने आम तौर पर जो कीमा होता है। हाँ, इसकी तरह मछली के सारे कांटे निकालने के बाद उसका सारा रेशा निकाल के अच्छा अलग फ्राई किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो आम तौर पर कबाब के जो मसाले होते हैं, मेटरियल होता है, उसके साथ पूरा कीमा इसका बना के मिक्स किया जाता है। अच्छा, वो सब आप घर से कर लाते हैं? हाँ, वो सब मैं घर से करके फिर यहाँ पे डिप फ्राई करता हूँ। पंटी भाई से हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसकी प्रिपरेशन दिखाएं, लेकिन ये बोलते हैं कि ये हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है, ये हम कैमरे के सामने नहीं शो करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ हमें यहाँ पर अपनी दुकान पर शूट करने की इजाज़त दी है और आपको ये कबाब बनते हुए हम दिखा रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन तो दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसकी एक खास जानकारी आपको, एक नॉलेज आपको एक पंटी भाई ने अभी दी है कि ये कैसे ये कबाब को बनाते हैं। तो बंटी भाई, ये कितनी देर लगती होगी इसको बनने में? ये आपने डाले तेल में 15 से 20 मिनट फ्राई करेंगे इसे। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए कबाब रेडी होने जा रहे हैं, इनके फ्राई हो रहे हैं और इनको निकाल रहे हैं।
11 मिनट एक जी हवा लगी बच्ची का 60 चिकन के लिए इन्होंने बताया ऐसे ये जो कबाब है ना ये बिना चटनी के खाया जाता है जिसकी लज्जत है ना वो तभी आती है। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तारीफें बहुत सुनी है इसको आपकी। और आपको लगेगा नहीं कि आप फिश का ही कबाब खा रहे हैं क्योंकि जो स्मेल वगैरह जो होती है कुछ बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और जो मसाले वगैरह इनके वो बहुत ज़बरदस्त है। फिश शामी कबाब आ गया हमारा, नींबू डालेंगे ऊपर से और नींबू डाल के इसको टेस्ट किया जाएगा, देखते हैं क्या टेस्ट है। देखिए आप ये टेक्सचर फिश कबाब, फिश ऑब्वियसली सॉफ्ट तो होना ही है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी लेयर है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, स्मेल बिल्कुल नहीं है। खा के देखते हैं कैसा है। सुभान अल्लाह, बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही आला है दोस्तों। यकीनन जैसा अभी भाई लोगों ने बताया कि ऐसे फिश के गवाह हमने कहीं नहीं खाए, तो जयपुर में तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। ये बंटी भाई के स्पेशल फिश कबाब जरूर आकर आप लोग ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया है। ये है इनका चिकन का शामी कबाब, गरम गरम है अभी उतर के आया है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये चिकन का ये रेशा है जो ये बताते हैं कि ये कीमे को भी सिल बट्टे पे पीसते हैं। टेक्सचर देखिए आप कितना ज़बरदस्त है, इसको भी ऐसे ही बिना चटनी के सादा खाते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त कबाब खाने हो अगर आपको तो आप बंटी भाई के कबाब खाएं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया है। वो मैंने अभी मैंने खाया तो मैंने पहले ही समझ ली बात कि ये सिल पे पीसा हुआ कीमा है, उसी वजह से इतना बढ़िया रेशा आ रहा है इसका और लोज जो आ रहा है इसका। मिक्सी में आएगी नहीं सवाल ही नहीं दिखेगा ही नहीं आप कितने दावे से कितने कसाई है, अब सवाल यही होने के बाद मशीन में कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया बंटी भाई, बताएं ये आपके दुकान की ये टाइमिंग बताएं, कब लोग आए, कब खा सकते हैं, कब मिल सकते हैं? 4 बजे से रात के 11 बजे तक का टाइम है। और पूरे 7 दिन वीक में खुलती है? बिल्कुल, कोई बजे होती है ऑर्डर होता है तो ही दुकान बंद होती है, नहीं तो 7 दिन खुलेगी। 4 बजे से 11 बजे तक। तो फ्रेंड्स ये थे बंटी भाई कबाब सेंटर, इनकी पूरी डिटेल और प्राइसिंग सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। कबाब खा के हमने आपको बताया, बहुत ही शानदार किए थे हम अभी बंटी कबाब सेंटर पर, और हमने यहाँ पे इनकी कबाबों की वैरायटी आपको खाकर बताई, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला थे दोस्तों, बहुत मज़ा आया। आप लोग आए और इनके शामी कबाब, स्पेशली इनके मछली के शामी कबाब, फिश शामी कबाब ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अंदाज़ है, बहुत ही आला थे। इजाज़त चाहते हैं आपसे, शुक्रिया।